हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2019 के बारे में, क्या लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ परेशान हैं, रोज मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, या हमारा इंस्टाग्राम पे पेज हो, या हमारा फेसबुक पे, कि सर जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब है। और कई सारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में भी पूछते रहते हैं कि सर एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, क्या एग्ज़ाम डेट घोषित हो। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो जैसे कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है, यहाँ पे एक फेक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है जिसमें 17 अक्टूबर से बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने की संभावना है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पे पूरा प्रूफ बताने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। जैसे कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है, अभी तक जिन छात्रों का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनकी भी कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका लगभग, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुए, चाहे वो फोटो के चलते हो, चाहे वो सिग्नेचर के चलते हो, या किसी और कारणवश से जहाँ पे उनका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो चुका है, तो उसी कारण से अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको पक्का बता देते हैं, यहाँ पे जो एग्ज़ाम है आपका कहीं ना कहीं अक्टूबर के एंड तक या अक्टूबर के थर्ड वीक तक आपका स्टार्ट होने की एग्ज़ाम की पूरी पूरी संभावना है। यानी सेकंड से थर्ड वीक तक आपका एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने की यहाँ पे पूरी संभावना है। तो लगभग एक मंथ बचा हुआ है आपके पास अपनी तैयारी को यहाँ पे पूरी तरह से तैयार करने के लिए। आप सब लोगों को पता है पिछली बार ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, और सिर्फ इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है यानी कि CVT 1 होता है, उसके बाद सिर्फ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसीलिए दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम की डेट है वो कभी भी रेलवे बोर्ड यहाँ पे जारी कर सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट है आप सब लोगों के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।